दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार, मैं एक ओसीडी सफर। आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जो क्या होता है कि जो हम लोग को डर लग रहा होता है ना, कोई भी चीज का डर हो, चाहे आप हाथ धोने वाला ले लीजिए, या जो है कि रियल लाइफ का ले लीजिए, गाड़ी चलाने वाला ले लीजिए, या जो नदी में तैरने वाला ले लीजिए, जो भी डर होता है वो कैसे दूर होता है, तो इस वीडियो में आपको जो है कि पता चलेगा कि क्या चीज करने से जो है कि डर दूर होता है। देखिए सबसे इस वीडियो में जानिए कि से काम करने से डर दूर होता है। हम लोग का जो है, जो भी अगर काम करते हैं तो उस काम को पहले क्या होता है, थोड़ा सीखना पड़ता है। अगर उस काम को जिस चीज से डर लगता है उसको अगर करेंगे तो उसमें हमारा आत्मविश्वास जो है कि धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जो है कि काम करते रहने से जो है कि डर दूर होता है। अगर उसके बारे में सोचते रहे, इंतजार करते रहे कि सही समय आएगा तब हम काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि डर बढ़ेगा, और जो है कि हम लोग का आत्मविश्वास जो है कि आपका आत्मविश्वास कम होगा। इसीलिए जो है कि जिस काम से आपको डर लगता है वो काम करेंगे तो आपका आत्मविश्वास जो है कि बढ़ेगा। देखिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कि गाड़ी चलाने में भी जो है कि बहुत सारा डर रहता है, कि जैसे मोटरसाइकिल चलाना है तो क्लच पे ध्यान देना होता है, ब्रेक पे ध्यान देना होता है, तो उसमें तो डर लगता है, लेकिन हम लोग वो काम बार बार करते हैं तो क्या होता है, गाड़ी चलाना हमारे लिए आसान हो जाता है, मतलब डर दूर हो जाता है। उसी तरह है जो है कि बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है तो वो भी गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन उसको चलने में मजा आने लगता है, तो वो भी जो है कि डरता है, लेकिन वो भी बार बार करता है, तो क्या होता है, उसको भी चलना आसान लगने लगता है। उसी तरह से नदी में तैरना, अगर हम लोग सोचते रहेंगे कि नदी में तैरना है, लेकिन आपको अगर आपको जो है कि नदी में तैरने से डर लगता है, तो क्या आप कभी सीख पाएंगे नदी में तैरना? नहीं सीख पाएंगे। लेकिन काम करने से ही डर दूर होगा। वो क्या होगा कि जैसे ही नदी में आप काम जाएंगे, जब तक आप नदी में पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आप जो है कि नदी में तैरना कैसे सीख लेंगे? सिर्फ सोचते रहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए जब तक आप नदी में नहीं जाएंगे, बार बार जो है नदी में जा करके तैरेंगे नहीं, बार बार पहले कम पानी में फिर उसके बाद ज्यादा पानी में, तब आप जा करके सीखेंगे, तब जा करके आपका डर दूर होगा वो नदी में तैरने वाला। उसी तरह से जो है कि आप समझिए ओसीडी लाइफ में भी जो जो ओसीडी लाइफ में क्या होता है, जो विचार तो ही बार बार आता है ना, विचार बार बार आपको जो है कि आपको डराता है, परेशान करता है, चिंता करता है, घबराहट पैदा करता है, तो जो विचार जो आपको बार बार आता है वो भी एक काम का ही पार्ट है। जो बार बार जो विचार आता है जो आपको परेशान करता है, वो विचार क्या करता है, आपका आत्मविश्वास को कम करता है। अब देखिए आपको उसी को जो है कि वो उसको काम बना लेना, ये आपका काम का एक पार्ट है। तो वो काम जिस चीज का विचार आपको बार बार आ रहा है उसको क्या करना होगा कि आपको डाइवर्ट करना होगा दूसरे काम में, मतलब जो विचार आ रहा है उसको, उसके वजह से जो एक्शन आप ले रहे हैं उस एक्शन को जो क्या करना है, स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद क्या होगा कि आपको जो है कि दूसरे काम पे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आपको ध्यान लगाना है दूसरे काम पर। देखिए धीरे धीरे जब ये काम अगर आप हैबिट करेंगे, जिस चीज से डर लगता है उस काम पर से आपको ध्यान हटा करके दूसरे काम पर ध्यान लगाना है। तो आप देखिए दूसरा काम क्या क्या हो सकता है, या तो आप गाना सुन सकते हैं, या आपको जो काम, अगर खेलना पसंद है तो खेलना आप जा सकते हैं, फिर अगर अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, तो अपना जो काम में इंटरेस्ट है, या लिख सकते हैं, जो विचार आ रहा था बार बार आप उसी को लिखिए, देखिए आपका और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो जो विचार आ रहा था तो आप उसको बाद में फेंक सकते हैं, इससे आपका जो है कि जो स्ट्रेस आ रहा था, परेशानी आ रहा था, एंजाइटी आता है, उससे आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा। मेन मुद्दा कहाँ आ गया कि काम करने से ही डर दूर होता है। अगर आप जो काम के बारे में अगर सोचते रहेंगे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, इंतजार करते रहेंगे तो आपका डर दूर होने वाला नहीं है, उससे आपका आत्मविश्वास कम होगा। आत्मविश्वास कम होगा तो आपका जो है कि और भी कोई काम है तो उसमें भी आपका जो है कि आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी कारण से जो है कि हम ओसीडी सफर को हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि आप जो है ना, काम जो आपको बार बार विचार आता है उसको डाइवर्ट करें, जिससे कि आपका जो है कि लाइफ में जो चिंता परेशानी आता है ना, धीरे धीरे आपसे वो दूर हटने लगेगा। इसमें कुछ थेरेपी भी है, जैसे सीबीटी थेरेपी, हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है सीबीटी थेरेपी पर, उसका भी हम लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आपको वहां सीबीटी थेरेपी से और आपको जो है कि अच्छी तरह से समझ पाएंगे कैसे हम इसको दूर करें, जो विचार आते हैं उसको कैसे डाइवर्ट करें। इस वीडियो में यही तक। थैंक यू फ्रेंड्स।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। आप अगर जो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं इसको। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।